राम मंदिर प्रकरणी मध्यस्थी करण्याकरता श्री श्री रविशंकर अयोध्येला पोहोचले, मात्र रविशंकर यांच्या मध्यस्थीवरून वेगळंच राजकारण सुरू झालंय. पाहुयात एक विशेष रिपोर्ट. राम जन्मभूमीचा वाद कोर्टाबाहेर सुटेल अशी आशा असल्याचं रविशंकर यांनी म्हटलंय. अयोध्येत आल्यावर श्री श्री रविशंकर यांनी नृत्यदास महंत यांची भेट घेतली, त्यानंतर ही प्रतिक्रिया रविशंकर यांनी दिली. तर दुसरीकडे राम जन्मभूमी मुद्द्यावर चर्चेतून मार्ग निघाला तर चांगलंच आहे अशी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिली आहे. अभी एक नया अध्याय सुरू करने का विचार, एक सौहार्द का, इसमें सभी पक्षों को साथ में लेके कैसे हम इस जो मुद्दे को शीघ्रातिशीघ्र इसको एक अंत तक ले जा सकेंगे, इस पर विचार है. मुख्य बात यही है कि अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग भाव है. कई निराशावादी है, पर हम समझते हैं कठिन है काम, पर सब मिल के एक अच्छा एक संदेश देश भर में जा सकता है यदि दोनों समुदाय पास आए, दोनों समुदाय के सहमति से भव्य राम मंदिर बने. मैंने अपने अयोध्या के प्रथम दौरे में इस बात के लिए सभी पक्षों से कहा था कि अगर आप बातचीत से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो सरकार फिर उसमें जो भी आप लोग कहेंगे उस प्रकार का सहयोग करने का प्रयास करेगी. बातचीत के प्रयास अतीत में भी काफी हुए हैं, हमेशा वो निष्फल हुआ है, फिर भी कोई प्रयास करता है मुझे लगता है स्वागत योग्य है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ही इसमें सुनवाई कर रही है, हमें इसका इंतजार करना चाहिए. दरम्यान श्री श्री रविशंकर यांच्या भूमिकेला श्री राम जन्मभूमी न्यासाने विरोध केलाय. भाई 25 बार जेल में गया, 35 बार मैं नजरबंद किया गया, लाठी सहा, गोली सहा, कितने कार सेवक घायल हुए, कोठारी बंधुओं ने यहाँ बलिदान दिया, विश्व हिंदू परिषद के कितने लाखों लोग जेल गए, मुलायम सिंह यादव ने सबको जेल में ठूसा. इन सब के बावजूद भी यदि मंदिर बनाने की बात को लेकर श्री श्री रविशंकर अयोध्या आते हैं तो किस आधार पर सरकार हमसे वार्ता नहीं करेगी क्या? केंद्र सरकार राम जन्मभूमि न्यास से वार्ता नहीं करेगी क्या? राम जन्मभूमि न्यास को ही इसका हक है और किसी को हक नहीं है. तर राम जन्मभूमीची जागा सोडण्यासाठी निर्मोही आखाड्यानं बाबरी मशीद संघर्ष समितीला कोट्यवधींची ऑफर दिल्याची चर्चा आहे. ही केवळ अफवा असल्याचं विश्व हिंदू परिषदेनं म्हटलंय. अब निर्मोही अखाड़ा एक ऐसा शब्द है कि विश्व हिंदू परिषद ने लगाया है. किसने, उसकी हैसियत क्या है, उसका जिम्मेदारी क्या है, उसका दायित्व क्या है, वो रहता कहाँ है, ये तो कुछ मालूम नहीं. मैं निर्मोही अखाड़ा अयोध्या के सब लोगों को जानता हूँ, निर्मोही अखाड़े के श्री महंत को जानता हूँ, मैं उनके सेक्रेटरीज को जानता हूँ. वो इतनी हल्की गैर जिम्मेदार बात नहीं करते. त्याचवेळी MIM, सपा आणि काँग्रेसनं रविशंकर यांच्या भूमिकेला विरोध केलाय. 1 करोड़ से 20 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, इनके पास इतने पैसे कहां से आए? इनके पास क्या कोई सोने की कान निकली है या फिर ये इनके पास पेट्रोल निकल रहा है? पहले 1 से 20 करोड़ रुपये इनके पास कहां से है बताएं. दूसरी बात उनको ये बताना पड़ेगा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड में 10 मेंबर होते हैं, कौन से एक मेंबर का नाम बताइए. चलिए तीसरी बात इनको समझने की ज़रूरत है कि कोर्ट में केस चल रहा है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है. अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और ये सब बातें करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये लोग मुतासर करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं और ये देश के लिए बहुत बुरा होगा. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 5 डिसेंबर पासून सर्वोच्च न्यायालयात राम जन्मभूमी प्रश्नी सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यात दिला जाणारा निर्णय हा सर्वांसाठी बंधनकारक असणार आहे. रामराजे शिंदेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, दिल्ली.